आज हमारी सेवन्थ क्लास है ड्राइविंग सीरीज की। इनको मैं शुरू से सिखा रहा हूँ। वीडियो शायद चार ही ऑनलाइन आई होंगी अभी तक। एक दो दिन अब ऐसे ही किस दिन नाइट ड्राइविंग थी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी ऐसी। तो आज हम हाईवे पे चल रहे हैं, नेशनल हाईवे पे NH 48 पे। तो ये पहली बार हाईवे पे चला रही हैं और नीचे से चलना, ठीक है। तो आज मैं बता दूंगा कि अगर कोई पहली बार अगर हाईवे पे जा रहा है, अब बिगिनर ड्राइवर, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी भी इन्होंने अभी तक ना सिटी ट्रैफिक में ही चलाई है। हाईवे पे कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, बट एक तो लोग स्पीड में बहुत ज़्यादा जाते हैं और गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है। मेरे हिसाब से तो नेशनल हाईवे पे चलाना फिर भी सेफ है ना। जैसे तुम कह रहे थे कि उल्टा सिटी ट्रैफिक में कोई कहीं से निकाल रहा है, कोई कहीं से, उसमें ज़्यादा भड़क है। करेक्ट, हाईवे पे फिर भी ईजी है, लेकिन जैसा एक मैक्सिमम लिमिट होती है ना हाईवे की, वैसे एक मिनिमम भी है। मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि तुम इतने से नीचे नहीं चला सकते, बट उससे नीचे चलाओगे तो एक्सीडेंट, कोई अचानक तेज आ रहा है तो मार देगा। नहीं, राइट इंडिकेटर देना, मर जाएंगे हाईवे पे। आराम से, स्लो स्लो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, उधर देख के उधर जाना है। हाँ हाँ, मर जाना है। मिरर में देखो कुछ आ रहा है, और इधर लेफ्ट वाली लेन में रहना। अब लेफ्ट इंडिकेटर दो, हाँ अभी इसी में रहना है। कभी भी मर्ज होके एकदम से दूसरी तीसरी लेन में मत चले जाना। अभी थोड़ा हम यहाँ पे तेज चलाएंगे। इंडिकेटर बंद करो। गुड, अभी हमारी स्पीड है 40-42। इतनी स्पीड पे नहीं चलना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो स्पीड यहाँ पे लिखी है 80 है, 80 है तो कम से कम यहाँ पे 60 तो चलाओ। आराम से स्लो डाउन चलो। हाँ, हाईवे पे तुम बिना मिरर के गाड़ी चला नहीं सकते। मैं बाइक वालों की बात नहीं कर रहा जो मिरर हटा देते हैं। गाड़ी वालों को बिना मिरर के गाड़ी तो नहीं ही चलानी चाहिए। अभी तुम्हारा ध्यान ऐसा होना चाहिए, एक बार इस मिरर में देखा, एक बार उस मिरर में देखा, फिर एक बार ये आगे देख लिया। लेन चेंज नहीं कर रहे हो फिर भी देखा करो, ठीक है। घबरा तो नहीं रही हो? गुड, लेन चेंज करनी है? नहीं, वैसे क्या ना, देखो तो सीधे सीधे की आदत रहेगी तो कल को अगर तुम्हारे सामने अचानक कुछ किसी ने ब्रेक लगाया तो कर भी नहीं पाओगे लेन चेंज। तो आदत धीरे धीरे डालनी है। पहले मिरर में देखना है खाली है कि नहीं, फिर इंडिकेटर देना है। ये प्रोसेस है, पहले इंडिकेटर दे दिया, कुछ लोग देखते नहीं है, मोड़ देते हैं। चलो हाँ, राइट इंडिकेटर दो, हल्का हल्का जाओ। बस इंडिकेटर ऑफ, अगर इसको हल्का सा दबाओगे ना तो वो लेन ब्लिंकर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो वो यूज़ कर सकती हो। प्रेफर ये किया जाता है कि ना तो आप लेफ्ट लेन में चलो, एक सही, मान लो अभी तो चलो आप बिगिनर हो, लेफ्ट में थोड़े बहुत टाइम के लिए चला सकते हो, लेकिन वैसे हमेशा हाईवे के बीच में ही चलाना। राइट में है कोई रॉन्ग साइड से आ जाएगा, कोई गाड़ी रोक के खड़ा है, फिर वो फास्ट लेन भी है, लेफ्ट से कोई रॉन्ग साइड से आ जाएगा, कोई गाड़ी रोक के खड़ा है, बीच में फिर भी चांसेस कम है इन चीज़ों के, तो बीच में चलाना हमेशा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि धीरे चलानी है तो अपने लेफ्ट की तरफ चलाओ, तेज चलानी है तो यू नो राइट की साइड से दो लेन्स में किसी में भी चला सकते हो। लेकिन मैंने देखे हैं राइट लेन में भी साइकिल वाला चल रहा है, रेडी वाला चला रहा है। हाईवे, नेशनल हाईवे के ऊपर मैंने साइकिल वाले देखे हैं राइट लेन में, जहाँ पे गाड़ियाँ 100-120 की स्पीड पे जा रही हैं। तो मैं तो बीच में चलता हूँ। धीरे धीरे लेन चेंज करो सेफली, हाँ करके देखो। पहले मिरर में देखना फिर इंडिकेटर। हाँ चलो, थोड़ा सा तेज चलाना। हाँ, एक बार ही दूर से हॉर्न दे दो, एक बार नजदीक जा, हल्का सा ब्रेक छोड़ दो। चलो चलो, अभी एक रुक जाओ, अभी नहीं आना। कान खुले रखना हमेशा हाईवे पे, हॉर्न बजा रहा है, नहीं इतना धीरे मत करो इस लेन में। चलो तेज चलो, या तो अगर आपको धीरे चलानी है तो फिर आप लेन चेंज करके इधर आओ, ठीक है। चलो थोड़ा तेज करो, डरो मत, भलटेगी नहीं, कर्व के ऊपर भले ही है। चलो दबाओ एक्सेलेरेटर, और नजर थोड़ी दूर रखना, इतना यहां पर हाईवे पे नजदीक नहीं, एकदम ऐसा रिजिड होके सामने ही देखती रहोगी तो दिक्कत हो जाएगी। कभी कभार विंडो से देख लिया, कभी उधर विंडो से देख लिया। एक्सेलेरेटर छोड़ो, चलो वापस लेफ्ट, इंडिकेटर दो पहले, आओ
चलो शाबाश, धीरे धीरे, एक बार में एक ही लेन आराम से, फिर कुछ दिक्कत नहीं है, फिर एक और लेन चेंज कर दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई गाड़ी अगर बगल में हो तो मत आना, बम्पर के पीछे है थोड़ी बहुत, उसकी स्पीड कम है तो तुम आ जाओ, फिर हम यहाँ से एग्जिट लेंगे, यू टर्न लेके वापस आएंगे। हाईवे पे कुछ अलग नहीं है यार, बस थोड़ी ना मूवमेंट हमारी फास्ट हो जाती है, जैसे गाड़ी की स्पीड तेज होएगी हमारी आंखों की मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट, हाथों की फास्ट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे ना स्पीड वाला कैमरा भी आ रहा है सामने, ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे 70 की लिमिट है। बड़े व्हीकल के बराबर में ज़्यादा मत चलाओ, जैसे ये है ना, तो या तो इसके पीछे करो या इसको ओवरटेक करो। कुछ अलग नहीं है ना, मतलब कि हाईवे पे डरने के बहुत ज्यादा इधर उधर देखना, वो तो करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा लेंस उतना ज्यादा देखना पड़ेगा। चलो सीधा चलो, और ये तो थोड़ा ट्रैफिक है इसलिए भी शायद तुम इजी लग रहा है, जब ये चलेंगे ना 80-90-100 की स्पीड पे सारी गाड़ियां। चलो निकालो बीच से, रुको 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 रुको, छोड़ दो रेस। हाँ चलो, इसकी सर्विस कब होनी है? सीधी पहले मतलब फर्स्ट चेक 2 महीने या 2 महीने पे होगी सीधी? हाँ। अच्छा सीधे चलो, थोड़ा सा तेज, पूरा सर्विस नहीं है मतलब चेक। हाँ चेक वो होता है, बट एज ए फॉर्मेलिटी टू पहली सर्विस मैंने हर गाड़ी की पहले महीने में देखी। नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है, नहीं, नो नो नो, आपको बता दिया जाएगा एक्सीडेंट के टाइम पे। लेफ्ट हल्का, लेफ्ट हल्का। बाकी गाड़ियों का यूजुअली कब होता है? इंजन ऑयल चेंज सबका 10,000 पे, लेकिन चेकअप के लिए जैसे मारुति ह्यूंडई मारुति खासकर बुला लेती है पहले महीने में ही, और 700 किलोमीटर्स कि कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर से पूछ लो, चेकअप कर लेते हैं पूरी गाड़ी का, तो 700 फिर 6 महीने। मुझे याद नहीं है बट 2 महीने या वो देख लेना। चलो हाँ हाँ बिल्कुल नीचे नहीं, हाँ चलो धीरे धीरे चलो चलो, बिल्कुल धीरे कभी मत करना गाड़ी मर्जर के टाइम पे। दोपहर देखने में दिक्कत तो नहीं है? ठीक है चलो। इसका टायर प्रेशर चेक कराया है तुमने? हाँ, जब पेट्रोल लगाया। कितना था? बहुत कम था स्टार्टिंग में, वो शोरूम से ही बताया था। कितना डलवाया फिर? 25। क्यों? 25 था ना? नहीं फिर डलवाया कि टोटल फिर कितना करवा दिया तुमने? मेरे फ्रेंड ने भी थी। 16 इंचेस का व्हील है तो अराउंड 32 होना चाहिए प्रेशर। हाँ, क्योंकि 25 तो कम है। ओके, अच्छा 25 था। हम्म, 32। तो देखो अभी नेशनल हाईवे से तो नीचे आ गए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं था, गाड़ियां बहुत तेज चल रही हैं, मिक्स्ड एक्सपीरियंस था तो ठीक था हाईवे का। अभी हम सिटी ट्रैफिक में अंदर आ गए उद्योग विहार की तरफ, तो यहाँ पे इधर है आराम से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही, और शायद एक आधी वीडियो और आएगी इस सीरीज में, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, प्रॉपर 9-10 पार्ट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, इधर उधर भी आ जाएंगे सारे, सो वो आप देख लेना। थैंक यू सो मच।